मस्ती में मस्ती। तो फाइनली एमसी स्टैन ने अपने दुश्मनों को, अपने हिटरों को जवाब दे दिया, जो ये बोल रहे थे कि एमसी स्टैन बिग बॉस के विनर के लायक नहीं था, ट्रॉफी के लायक नहीं था। तो डायरेक्टली एमसी स्टैन ने जवाब दे दिया। किस तरह जवाब दिया मैं आप सभी को बता देता हूँ, और उसी के साथ वरुण धवन ने क्या बोला उनके बारे में आप सभी को वो भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। बॉलीवुड के एक महान एक्टर जिनका नाम था जावेद अमरोही, शायद आपने कई सारी मूवी के अंदर देखा होगा कॉमेडी करते हुए, 150 से भी ज़्यादा इन्होंने मूवी की है, और जो उनकी फेमस मूवी थी आप सभी को बताते चलो, अंदाज अपना अपना, यानी कि सलमान खान और आमिर खान के साथ ये नजर आए थे कॉमेडी करते हुए। लेकिन ऐसे में आप सभी बता दूँ एक बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, अब इस दुनिया के अंदर ये नहीं रहे, इनका इंतकाल हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनके परिवार के लिए, इनके दोस्त अहबाब के लिए दुआ कीजिए कि इनको सबर आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कोई किसी का गुजर जाता है तो कितने तकलीफ में पड़ जाते हैं सब। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इनके लिए दुआ कीजिए। तो चलिए मैं आप सभी को एमसी स्टैन के बारे में बिग इन्फॉर्मेशन देता हूं, उन्होंने अपने हेटरों से दुश्मनों से क्या बोला। लेकिन उससे पहले आप वरुण धवन का वीडियो देख लीजिए, वरुण धवन ने किस तरह से उनको कंग्रेचुलेशन बोला, आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बताने वाले कि एमसी स्टैन ने क्या रिप्लाई दिया। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो जैसे कि आपने वरुण धवन का छोटा सा वीडियो देख ही लिया और आप साधु एमसी स्टैन को कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने मतलब कंग्रेचुलेशन बोला, और साथ ही साथ सोशल मीडिया के कई सारे स्टार ने भी कंग्रेचुलेशन बोला। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बोला तो आप कमेंट के अंदर बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता कि आखिर एमसी स्टैन ने अपने हिटरों को क्या जवाब दिया, अपने दुश्मनों को क्या जवाब दिया, जो ये बोल रहे कि एमसी स्टैन बिग बॉस 16 के ट्रॉफी के लायक नहीं था, विनर के लायक नहीं था। तो मैं आपसे बता दूं उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोला है, मैं आपसे बता देता हूं, आप सभी को साइड में आर्टिकल देख ही रहे हो जो कि इंग्लिश में, लेकिन मैं आप सभी को हिंदी में इसका थोड़ा बहुत बता देता हूं कि मुझे ईमानदारी के साथ इन लोगों की परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। और उसी के साथ उन्होंने लिखा कि यहाँ एक इंसान में एक बहुत ही सौभाग्य भावना है, मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं जिसे चाहता हूँ वो जीत जाए या मतलब वो आगे बढ़ जाए, हर किसी की मतलब ये फीलिंग होती है। और उन्होंने ये भी लिखा, उससे आदमी लिखा कि एक बस स्वीकार करने की ज़रूरत है कि यहाँ उनका उनके लिए नहीं था, यानी कि जो आप चाहते हो, मतलब आप जो सोच रहे हो कि प्रियंका की ट्रॉफी थी या शिव की ट्रॉफी थी, तो आपको ये मतलब वो करना पड़ेगा भरोसा कि उनके लिए नहीं था। और उसी के साथ उन्होंने लिखा कि मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ही विनर के लायक था और मैं ही जीता, मतलब कुछ इस तरह से इंग्लिश में लिखा, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली उन्होंने बोला कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मैं उस लायक था, मैं जीत चुका हूँ, उन्होंने डायरेक्टली ये जवाब दे दिया है। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि एमसी स्टैन बिग बॉस ट्रॉफी के लायक थे, क्या एमसी स्टैन बिग बॉस ट्रॉफी के नहीं लायक थे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कई सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, कई तरीके से बातें कर रहे हैं कि एमसी स्टैन को मतलब वैसी ट्रॉफी दे दी गई है, बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। और उसी वीडियो को जितना सके उतना शेयर करना फैलाएं ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे।